मैं तो अब उन अलामत को तरतीब बार बयान करूंगा जिनको अभी महाराज वजूद में आना है लेकिन उनमें से आम अलामत जो अब देखने में आ रही है बताता चलू ये मुख्तलिफ अहादीस में मौजूद हैं यहां उनको जमा कर रहा हूं ये तमाम नबी अक्रम सल्लाम के इर्शादात हैं लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि दीन पर कायम रहने वाले की हालत उस शख्स की तरह होगी जिसने अंगारे को मुट्ठी में पकड़ रखा हो दुनियावी एतबार से सबसे नसीब वाला वो होगा जो खुद भी कमीना और उसका बाप भी कमीना हो लीडर बहुत और अमानतदार कम होंगे, कबीलों और कौमों के लीडर मुनाफिक रजील तरीन और फासिक होंगे बाजारों के रईस ताजर होंगे पुलिस की कसरत होगी वो जालिमों की पुष्ट पनाही करेगी बड़े बड़े ओहदे ना आहलों को मिलेंगे लड़के हुकूमत करने लगेंगे तिजारत बहुत ज्यादा फैल जाएगी यहां तक कि तिजारत में औरत अपने शोहर का हाथ बटाएगी नाप तोल में कमी की जाएगी लिखने का रवाज बहुत बढ़ जाएगा मगर तालीम सिर्फ दुनिया के लिए हासिल की जाएगी कुरान को गाने बजाने का आला बना लिया जाएगा यानी गा गा कर पढ़ेंगे रिया शोहरत और माली फायदे के लिए कुरान को गा कर पढ़ने वालों की कसरत होगी फुकाहा की किल्लत होगी उलामा को कत्ल किया जाएगा उन पर ऐसा वक्त आएगा कि वो सुर्ख सोने से ज्यादा अपनी मौत को पसंद करेंगे इस उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे अमानत दार को खाइन और खाइन को अमानत दार कहा जाएगा झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा अच्छाई को बुरा और बुराई को अच्छा समझा जाएगा अजनबी लोगों से हुसने सलूक किया जाएगा और रिश्तेदारों के हुकूक पामाल किए जाएंगे बीवी की इताद और मां बाप की नाफरमानी की जाएगी मस्जिदों में शोर और शगब और दुनिया की बातें होंगी सलाम सिर्फ जान पहचान के लोगों को किया जाएगा हालांकि सलाम हर मुसलमान को करना चाहिए चाहे उससे जान पहचान हो या ना हो तलाकों की कसरत होगी नेक लोग छुपते फिरेंगे कमीने लोगों का दौर दौरा होगा लोग फख्र और रिया के तौर पर ऊंची ऊंची इमारत बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे शराब का नाम नबीद सूद का नाम नफा और रिश्वत का नाम हदिया रखकर उनको हलाल समझा जाएगा सूद जुआ गाने बजाने के आलात शराब खोरी और जिना की कसरत होगी बेहयाई और हरामी औलाद की कसरत होगी दावत में खाने पीने के अलावा औरतें भी पेश की जाएंगी अचानक अमवाद की कसरत होगी लोग मोटी मोटी गद्दियों पर सवारी करके मस्जिदों के दरवाजों तक आएंगे उनकी औरतें कपड़े पहनती होंगी लेकिन लिबास बारीक और चुस्त होने की वजह से नंगी होंगी उनके सर बुख्ती ऊंटों के कुहानों की तरह होंगे यानी वो इस तरह बाल बनाएंगी तो ऊंट के कुहान नजर आएंगे मटक मटक कर चलेंगे लोगों को अपनी तरफ मायल करेंगे ये लोग न जन्नत में दाखिल होंगे न उसकी खुशबू पाएंगे मोमिन आदमी उनके नजदीक बांदी से भी ज्यादा रजील होगा मोमिन इन बुराइयों को देखेगा मगर रोक नहीं सकेगा जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर कुटता रहेगा ये तमाम अलामत नबी अक्रम सलम ने उस जमाने में बयान फरमाई जब इनका तस्वुर भी मुश्किल था लेकिन आज हम अपनी आंखों से इन सबको देख रहे हैं कोई अलामत अपनी इंतहा को पहुंची हुई है कोई अभी इब्तदाई मरहले में है जब ये सब अलामत अपनी इंतहा को पहुंच जाएंगे उस वक्त क्यामत की बड़ी बड़ी और करीबी अलामत का सिलसिला शुरू हो जाएगा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके